नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं स्वाति। खबर रीवा जिले से है, जहां विवेकानंद पार्क में आयोजित समारोह में शिक्षण संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने हिंदी के ज्ञान दीपक आलोकित किए। दीपमाला सजाकर हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध होने की उपलब्धि को उत्सव के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर अजय सिंह ने कहा कि नई शिक्षा नीति में मैं काले की पुरातन अंग्रेजी भरी शिक्षा नीति का स्थान ले लिया है। अब हर विद्यार्थी को उसकी रुचि के अनुसार मातृभाषा में उच्च अध्ययन की पूरी सुविधा मिलेगी। मध्य प्रदेश देश का प्रथम राज्य है जिसने हिंदी में मेडिकल का पाठ्यक्रम शुरू किया है। देश के गृह मंत्री अमित शाह तथा प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल में आयोजित समारोह में मेडिकल पाठ्यक्रम की हिंदी में तैयार पुस्तकों का विमोचन करेंगे। इस कार्यक्रम को प्रदेश भर में प्रसारित किया जाएगा। यह दिन प्रदेश के लिए गौरव का दिन है। श्री सिंह ने कहा कि रीवा में विवेकानंद पार्क में हिंदी के ज्ञान दीपक को आलोकित करने का कार्यक्रम करके सराहनीय कदम उठाया गया है। इसके लिए जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग को बहुत बहुत बधाई देता हूं। कार्यक्रम में प्रभारी कलेक्टर आयुक्त नगर निगम मृणाल मीणा ने कहा कि एक दीप हिंदी के नाम जलाकर हर विद्यार्थी हर आमजन को हिंदी के प्रति प्रेरित किया जा रहा है। नई शिक्षा नीति निश्चय ही देश की शिक्षा प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन करेगी। हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति को इससे पुनर्जीवन मिलेगा। मातृभाषा में उच्च शिक्षा की सुविधा मिलने से अनेक विद्यार्थी सरलता से उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। कार्यक्रम में अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के कुल सचिव सुरेंद्र सिंह नई शिक्षा नीति के प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम में संचालक आरती सिंह ने स्वागत उद्बोधन दिया। सभी अतिथियों ने मिलकर हिंदी के ज्ञान प्रकाश के रूप में एक एक दीप प्रज्वलित किए। समारोह में संजय द्विवेदी, अपर कलेक्टर शैलेन सिंह, एसडीएम अनुराग तिवारी, डिप्टी कलेक्टर संजीव पांडे, संयुक्त संचालक शिक्षा एसके शर्मा, योजना अधिकारी शिक्षा विभाग सुदामा गुप्ता, प्राचार्य सीएम राइज स्कूल वरुणेन्द्र सिंह सहित बड़ी संख्या में शिक्षकगण तथा विद्यार्थी उपस्थित रहे। देश की बार बार बदलती रहती है, निरंतर उसको रिवाइज किया जाता है। तो अभी जो हमारी करंट शिक्षा नीति है, मेरे ख्याल से 2020 के अराउंड उसको रिवाइज किया गया था, जिसमें ये निर्णय लिया गया था कि जितना हो सके हमें हर तरीके की शिक्षा स्टूडेंट्स के मदर टंग में प्रोवाइड करनी चाहिए। और उसका एक मेन एम ये रहता है कि जो टेक्निकल एजुकेशन है, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, आपकी लीगल एजुकेशन हो, तो जो टेक्निकल एजुकेशन है उसको भी हम बेसिक एजुकेशन के साथ साथ हिंदी में स्टूडेंट्स तक पहुँचाएँ, उनके मदर टंग में बेसिकली पहुँचाएँ, जिससे उसमें अंडरस्टैंडिंग उनकी ज़्यादा अच्छी हो। और जो प्राइमरी, मिडिल और सीनियर स्कूल की एजुकेशन के बाद जब बच्चा आगे बढ़ता है, तो फिर कॉलेज में जब उसका टेक्निकल एजुकेशन का दौर आता है, तो उसमें उसको फेमिलियरिटी रहे, उसकी जान पहचान उन सब्जेक्ट के साथ बेहतर रहे। और इसी दिशा में बढ़ते हुए राज्य सरकार द्वारा ये काफ़ी ऐतिहासिक कदम उठाया गया है, जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि आज और कल जो कार्यक्रम हो रहे हैं वो इसी संदर्भ में हो रहे हैं कि मेडिकल एजुकेशन प्रदेश में हिंदी में शुरू करी जा रही है, जिससे कि स्टूडेंट्स को बहुत ही आगे जाके आसानी होगी, जो हिंदी मीडियम के हमारे छात्र छात्राएं हैं, और उनको मेडिकल की एजुकेशन को प्राप्त करने में, समझने में और उस फील्ड में अपना करियर बनाने में बहुत सहूलियत होगी। तो एक एक ऐतिहासिक कदम है जिसके परिप्रेक्ष्य में आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। मैं इस अवसर पे सभी स्टूडेंट्स को सब सर्वप्रथम शुभकामनाएं देता हूँ, और साथ में ही सारी फैकल्टी को और सारे हमारे आमजन जो यहाँ पे मौजूद हैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि इससे जाके ना केवल डॉक्टर्स की क्वालिटी बेहतर होगी हमारे प्रदेश में, बट जो एक किल्लत हम जनरली महसूस करते हैं टेक्निकल एजुकेशन में, लोकली हमारे जो यूथ है उसको एम्प्लॉयमेंट देने में, वो भी एक कमी हमारी दूर होने के लिए उसकी तरफ एक बहुत इम्पॉर्टेंट कदम है। मध्य प्रदेश अपने देश का पहला ऐसा राज्य होने जा रहा है जिसमें मेडिकल एजुकेशन, चिकित्सा की पढ़ाई हिंदी माध्यम से भी की जाएगी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसे हम कहते हैं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2020 में स्वीकार किया है। जो पुरानी मैकाले अंग्रेजों के ज़माने की शिक्षा नीति थी, वो धीरे धीरे उसको समाप्त करके हम आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहे हैं। अपने देश की के जो समाजसेवी, शिक्षाविद, अभिभावक, छात्र, स्वयंसेवी संगठन, इन सब के अथक प्रयास से हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भारत सरकार को सौंपी गई
जिसे भारत सरकार ने 29 जुलाई 2020 को स्वीकार किया और उसी कड़ी में मध्य प्रदेश देश का उस क्षेत्र में भी पहला राज्य बन गया है जो सत्र 2021-22 से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को एडाप्ट किया है। ये दूसरा साल होगा, दूसरा सेशन होगा जब हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के में आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके पैरामीटर्स बहुत कठिन हैं। उनमें जो पहला पैरामीटर है, पहला बिंदु है, वो ये है कि भारतीय शिक्षा भारतीय मूल्यों पर, भारतीय भाषाओं पर, भारतीय संस्कृति पर आधारित होनी चाहिए। और अगर हम ईमानदारी से उस क्षेत्र पे आगे बढ़ेंगे तो निश्चित ही हमारा जो देश कभी शिक्षा के क्षेत्र में विश्व गुरु था, उस स्थान को पाने के लिए शायद हम लोगों को ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अभी फर्स्ट MBBS में 3 विषय जिन पुस्तकों का कल विमोचन होने जा रहा है हमारे भारत सरकार के केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्रीमान अमित शाह जी और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा पुस्तकों का विमोचन होगा, उसमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री 3 विषय हैं जो फर्स्ट MBBS में पढ़ाए जाते हैं और आगे की तैयारी की जा रही है उनके हिंदी रूपांतरण के लिए। सिलेबस तैयार किया जा रहा है, पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है। इसके लिए हम मध्य प्रदेश शासन को, विशेष रूप से चिकित्सा शिक्षा विभाग को, चिकित्सा शिक्षा मंत्री को, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मोहम्मद सुलेमान जी को, उनके पूरी टीम को और इन सब के पीछे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का संरक्षण है जिससे हमारा प्रदेश इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है।